राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खंडवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर दिया विवादित बयान, संघ पर अंग्रेजों के साथ मिलकर टंटिया मामा और भगवान बिरसा मुंडा को फांसी पर चढ़ाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने भवरकुआ थाने पर शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता सुमित मिश्रा ने राहुल गांधी के बयान को झूठा बताते हुए कहा कि अंग्रेजों ने राष्ट्रीय पुरुष टंटिया मामा को सन 1890 में और भगवान बिरसा मुंडा को सन 1900 में फांसी दी थी, जबकि स्वयंसेवक संघ की स्थापना उसके 25 वर्ष बाद 1925 में हुई है। सुमित मिश्रा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करते हुए बताया कि देश में आए आपदा और विपदा में आरएसएस लगातार अपनी भूमिका रखता है। 1948 में कश्मीर में कवालियों के हमले के दौरान भी स्वयंसेवक संघ सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। वहीं देश में बाढ़, भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा में संघ संकट मोचन की भूमिका निभाता है, लेकिन कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। सुमित मिश्रा ने पुलिस से गुहार लगाई है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर संघ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। राहुल गांधी इसके पहले भी संघ पर आरोप लगाते रहे हैं। इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन्हें संघ से माफी मांगने के निर्देश दिए थे। बीजेपी प्रवक्ता सुमित मिश्रा ने भवरकुआ पुलिस से मांग की है कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं भवरकुआ थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायती आवेदन आया है, जिसमें राहुल गांधी के बयान की शिकायत की गई। उस पूरे मामले में आवेदन का अवलोकन करके वीडियो की जांच करके जो उचित होगा वह कार्यवाही की जाएगी। एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, आवेदन में जांच कराई जा रही है और वीडियो भी देखा जाएगा। उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसके अनुसार ही आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या मांग की गई है इसमें? अभी आवेदन प्राप्त हुआ है केवल, अभी आवेदन का जो ड्राफ्ट है उसका अध्ययन करके और जो कार्रवाई उसमें विधि अनुसार होगी वो की जाएगी। शिकायत सर किस तरह की शिकायत की? अभी आवेदन प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकर पहुँचे हैं। देखिए, कल टंटिया मामा की जो जन्मस्थली है वहाँ पे कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि संघ ने उनकी मुखबरी करके टंटिया मामा और बिरसा मुंडा जी को फांसी दिलाई थी। एक राष्ट्र के प्रति समर्पित, दृढ़ संकल्पित और राष्ट्रवादी विचारधारा के संगठन को बदनाम करने का ये उनका कुकृत्य है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी को 1900 में और टंटिया मामा को 1890 में फांसी दी गई अंग्रेजों के द्वारा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है वो 1925 में हुई, और जो हमारे परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी हैं उनका जन्म भी 1890 में हुआ था। तो इस हिसाब से ये इस प्रकार के मिथ्या और अनर्गलब बातें करके राहुल गांधी जी अनावश्यक तौर पर आदिवासियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष की भावना फैला रहे हैं या एक समाज को नक्सलवाद की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी के इस प्रकार के बयान के खिलाफ हमने आज उनके खिलाफ़ FIR की मांग की है, और आज हम इसी के साथ माननीय जिलाधीश महोदय से भी मांग कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि राहुल गांधी जी की जब इंदौर आएँ तो उनके ऊपर 107-16 की कार्रवाई भी कर दें, ताकि वे इंदौर में इस प्रकार की अनर्गल बातें ना करें। तो हमने माननीय थाना प्रभारी से मिलकर आज आवेदन दिया है और उन पर FIR की मांग की है। उनके जो इंदौर